नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ कुकर में बनने वाले झटपट से भेज पुलाव की रेसिपी, जो हम कुकर में बस 10 मिनट में बना के तैयार करेंगे और बहुत ही खिले खिले पुलाव हम बनाएंगे। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। यहाँ पर रख दिए मैंने कुकर गर्म होने के लिए। कुकर गरम हो चुका है, मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच देसी घी। घी डालने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ काजू और किशमिश। किशमिश मैंने ली है 1.5 चम्मच और काजू ली है 2 चम्मच। इनको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं किशमिश हल्का सुनहरा हो चुका है, तो मैं किशमिश को मैंने निकाल दी है और काजू को भी सुनहरा होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। काजू भी सुनहरा हो चुका है, मैं इसको निकाल देती हूँ। मैं इसमें डाल देती हूँ और 2 चम्मच घी। टोटल मैंने यहाँ पे 3 चम्मच घी का यूज की है। घी मेल्ट हो चुका है क्योंकि कुकर पहले से गर्म था, तो मैं यहाँ पर कुछ खड़े मसाले यूज कर रही हूँ। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और चक्रफूल, साथ में मैंने यहाँ पे तेजपत्ता को भी ऐड कर दी है और सूखी लाल मिर्च 3 ले ली है मैंने। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से भून लेती हूँ। ये भून रहा है तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास चावल ली है। ये बासमती राइस ली है मैंने। अगर आपके पास बासमती राइस नहीं है तो घर का कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्याज को मैंने चॉप करके रखी थी और साथ में मैंने 2 हरी मिर्च ली थी, इनको भी ऐड कर देते हैं। और साथ में मैंने 1 चम्मच ले रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और इन सारी चीज़ों को मैं 2 मिनट तक भून लूँगी। 2 मिनट बाद हमारा ये मसाला फ्राई हो चुका है, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कुछ वेजिटेबल्स। ये आप अपने अनुसार ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। मैं ले रही हूँ गाजर। 2 गाजर को मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट के रखे थे और हरा मटर, इनको हम इस तरह से मिक्स कर देंगे अच्छे से मसालों के साथ। और हम यहाँ पर ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक ऐड करने के बाद मिक्स करके ढक के हम इसको 3 मिनट तक पकाएंगे। 3 मिनट बाद मैं इसको चेक करती हूँ, फिर इसको मिक्स करके और कवर कर दूँगी और 2 मिनट और मैं इसको पकाऊँगी। टोटल मैंने इसको 5 मिनट पकाए हैं, तो ये हाफ कुक हो चुका है। ये जो चावल मैंने रखे थे इसको मैंने धो के पानी में डुबो करके रख दी थी, अब मैं इसको यहाँ पे डाल देती हूँ। चावल हमें बहुत पहले नहीं धोना है, जब हम मसाला फ्राई करने का स्टार्ट कर देते हैं उसी टाइम हमें चावल को पानी में भिगो देना है। और ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दी है और अच्छे से हम इसको भून लेंगे करीबन 5 मिनट तक। इसी तरह से हम भून लेंगे। हम अच्छे से अगर चावल को भूनेंगे तो पुलाव भी हमारा अच्छा खिला खिला बनेगा। गैस की फ्लेम को मैंने अभी तो मीडियम रखी है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी। जिस गिलास से मैंने चावल ली थी उसी गिलास से मैं ले रही हूँ 1.5 गिलास पानी। 1 गिलास चावल ली थी तो मैंने यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 गिलास पानी, 1 और आधा गिलास। पानी डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम में हम इसको 1 व्हिसल आने तक पकाएंगे। एक व्हिसल हो चुका है और मैंने इसको नेचुरली ठंडा होने के लिए रख दी थी, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना खिला खिला पुलाव हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। ये झटपट बनने वाला पुलाव की रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। ये आप देख सकते हैं कितना खिला खिला हमारा पुलाव बनके रेडी हो चुका है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।